आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन। मैं डॉक्टर रवि बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीपी। मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि समय समय पर आपको समाजशास्त्र की जानकारी देते रहें। बात आती है सामाजिक परिवर्तन की, सोशल चेंज की। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, किसी भी परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। कभी आदमी के प्रयासों द्वारा, कभी स्वयं से परिवर्तन, अर्थात परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होने वाली गतिविधियों से संबंधित परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये परिवर्तन जब से व्यक्ति ने रहना शुरू किया, जब से व्यक्ति ने व्यवहार शुरू किया, जब मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ, उसके साथ साथ परिवर्तन का दौर भी शुरू हो गया। अर्थात परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन नकारात्मक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन के फलस्वरूप समाज एक विकास की तरफ जाता है और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे सभ्यता का विकास नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमको परिवर्तन समाजशास्त्र में एक विषय के रूप में, एक पेपर के रूप में पढ़ना आवश्यक हो गया। परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के बारे में, हीगल और कूंत ने वैचारिक एवं बौद्धिक कारक को पर विशेष रूप से जोड़ दिया। अर्थात जो हमारे जो प्रारंभिक समाजशास्त्री रहे हैं, जिसमें हीगल कूंत की बात करते हैं, शुरुआत के बुद्धिजीवी रहे हैं हीगल, उनका दृष्टिकोण एक तरह से वैचारिक और बौद्धिक आधार पर था। मार्क्स परिवर्तन का कारण आर्थिक बताते हैं। अर्थात उनके अनुसार आर्थिक कारण सामाजिक परिवर्तन का मुख्य तत्व है। मतलब वो आर्थिक आधार पर परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन बताते हैं। इसी तरह स्पेंसर ने परिवर्तन के लिए उद्विकास को जिम्मेदार बताया। अर्थात उनके अनुसार उद्विकास के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार दुर्खीम ने श्रम विभाजन के कारण समाज में परिवर्तन की बात की। हिमाल दुर्खी भी हमारे प्रारंभिक समाजशास्त्री रहे हैं, इसी तरह से स्पेंसर प्रारंभिक समाजशास्त्री रहे हैं। इनके इन सब के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का जो सिस्टम था उसमें उद्विकास का दृष्टिकोण था, उसमें श्रम विभाजन का दृष्टिकोण था। अर्थात उद्विकास और सामाजिक परिवर्तन को ये मिला जुला रूप मानते थे। इन विचारकों के अनुसार अगर हम बात करते हैं, जो चाहे वो कूंत साहब हो, चाहे स्पेंसर साहब हो, हिमाल दुर्खी साहब हो, मार्क्स साहब हो, इन विचारकों ने परिवर्तन में उद्विकास, उन्नति, प्रगति की धारणा को एक दूसरे में जुड़ा हुआ पाया। इनके दृष्टिकोणों को में हमको कई बार ऐसा भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये किस में अंतर करते हैं। अर्थात इनके अनुसार उद्विकास ही परिवर्तन है, इनके अनुसार उन्नति ही परिवर्तन है, इनके अनुसार प्रगति ही परिवर्तन है। अर्थात इन्होंने इन शब्दों को प्रयोग करते हुए परिवर्तन को समझाने की व्याख्या की। इतिहासवादी व्याख्या में हीगल और मार्क्स की चर्चा की जाती है। जो इतिहासवादी दृष्टिकोण है उसमें इन्होंने हीगल और माख्या हीगल की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, तो सभी इतिहासवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। इसी तरह इतिहास की जो दार्शनिक व्याख्या है उसको हीगल ने किया है। इतिहास में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होता है वो चेतना के कारण होता है, चेतना के कारण हमको इतिहास में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसी तरह मार्क्स ने इतिहास का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उसका दंडात्मक भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की, जिसके आधार पर उन्होंने उत्पादन के साधनों और संबंधों के आधार पर, यानी उत्पादन का साधन और उसका जो संबंध है उसके आधार पर परिवर्तन की बात कही है। समाज इतिहास के एक कालखंड से दूसरे कालखंड में बदलता है, अर्थात निरंतर उसमें जो परिवर्तन होता है उसके लिए जो उत्पादन के साधन है और उसके संबंध, उसके आधार पर एक कालखंड से दूसरे कालखंड में आता है। इसी प्रकार उद्विकासी व्याख्या में मुख्य रूप से कूंत की बात की जाती है, स्पेंसर की बात की जाती है, दुर्खी की बात की जाती है, इन सबको सम्मिलित किया गया है। हीगल का जो प्रभाव था वो कूंत पर भी पड़ा। मतलब जब हम कूंत की विचारधारा को बात करते हैं, कूंत के सोच को बात करते हैं, उसमें हीगल के दृष्टिकोणों का, हीगल के विचारों का प्रभाव काफ़ी दिखाई पड़ता है। उद्विकासवादियों के अनुसार समाज सतत आगे बढ़ता रहता है, यानी निरंतर बढ़ता रहता है, उसमें कंटिन्यूटी दिखाई पड़ती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी में,
बीसवीं शताब्दी के में जो यानी कहा जाए एक तरह से नए जो समाजशास्त्री आए उसमें अकबंट साहब हैं, हाबाउस हैं, सोरोकिन हैं, मार्गरेट मीड हैं, मूर हैं और इकल्स हैं, इनके नाम लिए जाते हैं जिन्होंने परिवर्तन के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण समय समय पर प्रस्तुत किए। अगर हम बात करते हैं साथ में गुडेनहार्ट की जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करने का प्रयास किया है, अनेक तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, अर्थात समूह अथवा समाज के व्यवहार में बदलाव से है। रूज और रूजर की बात करते हैं, सामाजिक संरचना या सांस्कृतिक विशेषताओं अथवा दोनों के महत्वपूर्ण व टिकाऊ बदलाव से है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो रूज की बात करते हैं या गुजर की बात करते हैं, उन्होंने सामाजिक संरचना या सांस्कृतिक विशेषताओं अथवा दोनों में यानी सामाजिक संरचना में और सांस्कृतिक विशेषताओं दोनों में महत्वपूर्ण व टिकाऊ बदलाव से परिवर्तन को इंगित किया है। अगर हम दिन बिंदु के आधार पर ये देखते हैं, प्रवासों के आधार पर दिन बिंदु सामने आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं समूह के व्यवहार में परिवर्तन, जब हम देखते हैं ग्रुप में परिवर्तन होता है तो वास्तव में वही परिवर्तन दिखाई पड़ता है, चाहे वो ग्रुप परिवार हो, एक ग्रुप एक तरह से खेलकूद के साथी हो या कोई भी ग्रुप हो, किसी भी तरह का ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, छोटा ग्रुप हो, उनमें परिवर्तन उनके व्यवहारों में परिवर्तन वास्तव में सामाजिक परिवर्तन के लिए सामने आते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन वो भी एक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के रूप में आते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, इस आधार पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। परिवर्तन के साथ साथ हम जो समय की जो अवधारणा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम उसको तुलनात्मक रूप में बात करते हैं। प्राचीन काल में ऐसा था, आज ऐसा है, कल ऐसा होगा, अर्थात वहाँ पर हमने समय का बिंदु लिया। हम अलग अलग समूह में अलग अलग सभ्यताओं के दृष्टिकोणों को देखते हैं, अलग अलग समूह में हम अलग अलग समाज के दृष्टिकोणों को देखते हैं, अर्थात समय बहुत इम्पॉर्टेंट है सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए। इसके साथ साथ परिवर्तन हम ये भी जानते हैं कि हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन कभी रुक जाता है, परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आज जो व्यवहार है कल बदल जाएंगे, पहले परंपरा थी आज आधुनिकता है, आज के जो व्यवहार हैं कल परंपरा हो जाएंगे, कल के व्यवहार फिर आधुनिकता के अंतर्गत आ जाएंगे। अर्थात नया क्या है, जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा, अर्थात कल का जो नया है वो परसों पुराना हो जाएगा, अर्थात निरंतर ये जो प्रक्रिया चलती रहती है। परिवर्तन कभी कभी ऐसा भी होता अचानक होते हैं, जैसे कोरोना, इस वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कोरोना जो महामारी आई है ये अचानक होने वाला परिवर्तन है। भूकंप, कभी भूकंप आ जाए बहुत तेज़ी से तो इसमें भी परिवर्तन जो हमको दिखाई पड़ता है ये भी अचानक है। इसके साथ साथ बहुत सारी राजक्रांतियाँ होती हैं, युद्ध हो जाते हैं, जैसे कि 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था, इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं 1914 से 1919 के बीच की बात करते हैं, तो वो प्रथम विश्व युद्ध भी एक तरह का वो भी अचानक या अचानक होने वाली का परिवर्तन दिखाई पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध इसी तरह से हुआ था, मतलब परिवर्तन जो है अचानक भी होते हैं, तो ये दृष्टिकोण भी परिवर्तन के साथ हम देख सकते हैं। संक्रमण की जो अवधारणा है वो भी परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है, समाज विकास एवं स्तर से दूसरे स्तर सोपान की तरफ बढ़ता है, मतलब एक सोपान से दूसरे सोपान में बढ़ता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ता है, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में आता है, अर्थात पहले का जो दृष्टिकोण था आज का जो दृष्टिकोण है उनके बीच की स्थिति संक्रमण की स्टेज होती है, संक्रमण की स्थिति होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम इस समय कोरोना महामारी के संकट में जूझ रहे हैं, कल को हम ठीक हो जाएंगे, तो बीच की स्थिति इस समय दिखाई जाए तो संक्रमण की स्थिति हो। कहने का मतलब यह है कि जब हम 205 की बात करते हैं तो पहले से दूसरे के बीच के रूप को हम संक्रमण की अवधारणा के रूप में समझ सकते हैं। इस तरह से परिवर्तन हमको निरंतर दिखाई पड़ता है, परिवर्तन किसी एक देश में परिवर्तन नहीं बल्कि पूरे संसार में प्रत्येक स्थान पर परिवर्तन होता है, किसी एक समाज का परिवर्तन नहीं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका में परिवर्तन है तो इंडिया में नहीं है,
इंडिया में परिवर्तन है तो अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीका में है तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। समस्त संसार के प्रत्येक स्थानों पर परिवर्तन किसी न किसी रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अर्थात परिवर्तन, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, प्रकृति का नियम है। इस परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप आदमी के व्यवहारों में परिवर्तन हो जाता है। आदमी का व्यवहार जो पहले था वो आज नहीं है, कल नहीं होगा। पहले जैसे हम कह सकते हैं, एक चिट्ठी भेजी जाती थी, एक पोस्ट कार्ड भेजा जाता था, अंतर्देशीय लिख के भेजा जाता था। आज व्हाट्सएप पे लिखा जाता है, आज फेसबुक पे लिखा जाता है। हम व्हाट्सएप पे फेसबुक का प्रयोग करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, हम ट्विटर की बात करते हैं, हम ट्विटर के जरिए अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान समय में हम यूट्यूब के जरिए अपनी बात को कहना चाहते हैं। जैसे कि क्लास पढ़ाने का जो दृष्टिकोण था या अब भी कुछ रूप में है, कोरोना महामारी के कारण वो रूप आज उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा, हम क्लास उस रूप में नहीं ले सकते। आज हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जूम मीटिंग के जरिए क्लास दे रहे हैं, बल्कि जूम पे तो वर्तमान समय में भारत में रोक लगी है। अब हम गूगल क्लासरूम की बात करते हैं, नमस्ते ऐप की बात करते हैं, उसके जरिए हम क्लास ले सकते हैं। इससे एक तरह से परिवर्तन का रूप ये दिखाई पड़ता है, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। पहले बैलगाड़ी थी, आज रेलगाड़ी है। पहले हमको सिंपल रूप में वाहन प्रयोग किए जाते थे, आज मर्सिडीज गाड़ीज हैं। यानी समय के साथ साथ भौतिक रूप में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, भौतिक चीज़ों में परिवर्तन दिखाई पड़ता था। पहले हम कुछ और चीज़ें खाते थे, आज कुछ और चीज़ें खाते हैं, उसमें बदलाव दिखाई पड़ता है। खाने चीज़ों के रूपों में परिवर्तन, पहनावे में परिवर्तन, अर्थात हम कह सकते हैं परिवर्तन प्रत्येक स्थिति में दिखाई पड़ता है। आज इतना।